छत्तीसगढ़, प्रकृति के आलिंगन का जिसे प्राप्त है वरदान, जहां की माटी है प्राकृतिक धन से परिपूर्ण और ऊर्जावान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में छत्तीसगढ़ तीव्र गति से विकास की राह में आगे बढ़ रहा है। रेल हो, रोड हो, टेलीकॉम हो, हर तरह की कनेक्टिविटी के लिए पिछले 9 साल में भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में अभूतपूर्व काम किया। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और बहुत बड़ा लाभ है जिस पर उतनी चर्चा नहीं हो पाती। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध सामाजिक न्याय से भी, जो सदियों तक अन्याय और असुविधा झेलते रहे उन तक भारत सरकार आज आधुनिक सुविधाएं पहुंचा रही है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ को दे रहे हैं 6400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात और उनका कर रहे हैं लोकार्पण। छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल कॉरिडोर फेज 1 खरसिया धर्मजयगढ़। इस परियोजना का मूल उद्देश्य है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स के मांड रायगढ़ कोयला क्षेत्रों में बिजली उत्पादन परियोजनाओं सहित कोयला निकासी को सक्षम करने के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। लगभग 3,700 वर्ग किलोमीटर में फैले मांड रायगढ़ कोल फील्ड्स में 18 बिलियन टन से अधिक का कोयला रिजर्व उपलब्ध है। 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित लगभग 125 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर यहां से उत्पादित कोयले को इको फ्रेंडली विधि और तेजी से बिजली घरों तक पहुंचाने में मदद करेगा। ये आसपास की कोयला खदानों से फीडर लाइनों के जरिए जुड़ा हुआ है। 74 किलोमीटर लंबे मेन लाइन में 6 फ्रेट टर्मिनल के साथ साथ भविष्य में पैसेंजर स्टेशनों का भी विकास होगा, जिससे यात्री यातायात की सुविधा में बढ़ोतरी होगी। इससे क्षेत्र का आर्थिक स्तर बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और आदिवासी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। एनटीपीसी की तलाईपल्ली कोयला खदान परियोजना से एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट तक एमजीआर मेरीगो राउंड प्रणाली, लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से बने 65 किलोमीटर लंबे इस एमजीआर लाइन में 20 बड़े पुल मौजूद हैं। इस ट्रैक के ऊपर वन क्षेत्रों में जानवरों को सुरक्षित पार कराने के लिए एनिमल पास की संरचना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना को मुंबई हावड़ा मेन लाइन से जोड़ा गया है, चांपा जामगा तीसरी लाइन। इस लाइन द्वारा इस क्षेत्र में ट्रेनों की गतिशीलता बढ़ेगी, निवासियों को मिलेगी बेहतर आवागमन सुविधा। पेंड्रा रोड से अनूपपुर तीसरी लाइन। इस लाइन के द्वारा छत्तीसगढ़ को देश के उत्तरी और पश्चिमी भागों से जोड़ने की राह होगी सुगम। छत्तीसगढ़ के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने और रोजगार के अनेक द्वार खोलने वाले 6400 करोड़ रुपए से अधिक के इन प्रोजेक्ट्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।